छठ पूजा का कार्यक्रम मंच पे उपस्थित हमारे बुजुर्ग नेता और मित्र आदरणीय रोहिदास पाटिल जी, महेंद्र सिंह चौहान जी, पद्मश्री ब्रह्मदेव पंडित जी, प्रमोद सावंत, राजकुमार मिश्रा, हमारे साथ के सभी सहयोग सहकारी, विजय ठाकुर अध्यक्ष, नवीन झा, आशीष कुमार जी, अनिल ओझा जी, राजीव प्रियदर्शी, रविशंकर सिंह जी, कृष्ण सिंह जी, अनुप झा, रामशंकर झा, अमर झा, सतीश सिंह, संस्था के तमाम पदाधिकारी, डॉक्टर आर के शर्मा जी, सम्मान्य व्यासपीठ, उपस्थित सभी भक्तजन, भाइयों बहनों और दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ में नए साल की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। छठ पूजा के आज के समारोह की और छठ पूजा की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। छठ पूजा मीरा भयंदर में होना और जैसल पार्क में होना, जैसे काका ने बताया कि हर साल लोकस्थी बढ़ रही है, व्यवस्था भी बढ़ रही है। काका, छठ पूजा हिंदुस्तान के बंगाल से लेके बंगाल, बिहार, यूपी और नेपाल और उत्तराखंड, झारखंड, यहाँ तक के ये परंपरागत रूप से छठ पूजा का आयोजन होता आया है। छठ पूजा लोग करते आए हैं और ये अभी कुछ दो पांच दस साल या 200 साल या 500 या हजार सालों से नहीं, तो बल्कि वैदिक काल से छठ पूजा का सिलसिला आपके हमारे इस मुल्क में, देश में, सनातन धर्म के जमाने से भी ये चला आया है। और जो जो धार्मिक विधियां हैं उसे जो धर्म के नाम से जोड़ा गया है, उसके पीछे का भी एक कारण है। हम लोग कहते हैं कि हर बात को धर्म से जोड़ दिया जाता है, मगर अगर आप उसको देखा जाए, उसका विश्लेषण करें, तो अगर इन विधियों को धार्मिक और धर्म के नाम से ना जोड़े तो आप और हम इसका कभी भी पालन नहीं करेंगे। सूर्य देव की पूजा करना, सूर्य जब उगता है उगते हुए सूरज की पूजा करना, आपके हमारे जीवन में हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि उगते हुए सूरज की पूजा करो, और हम राजनीति के जीवन में तो रोज ही देखते हैं कि डूबते हुए सूरज की तरफ कोई देखता नहीं, पल्लड़ा झाड़ के भाग जाता है। मगर वैदिक काल से आपके हमारे धर्म ने ये सिखाया कि उगते हुए सूर्य की भी पूजा करो और डूबते हुए सूरज की भी पूजा करो, क्योंकि यही डूबने वाला सूरज कल फिर उगेगा। अब इसके पीछे का मेडिकल रीजन अगर मैं आपको बताऊं, जो आज हर डॉक्टर भी कहता है, यहां पे आपके जैसल पार्क चौपाटी में रोज हजारों लोग वॉकिंग करते हैं, गंगा के तट पे भी, कल मैंने किसी अखबार में पढ़ा, हाईवे का उद्घाटन हुआ तो वहां भी लोग वॉकिंग करते हैं, तो सूर्य उगता हुआ सूर्य की रोशनी मनुष्य के जीवन के लिए और शरीर के लिए कितनी अच्छी होती है, जिससे माध्यम से आपको विटामिन D3 मिलता है, विटामिन डी मिलता है और विटामिन सी मिलता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है कि आप में कैल्शियम की कमी है, आप जाइए ये दवा विटामिन D3 की लीजिए, विटामिन डी की लीजिए, विटामिन सी लीजिए, नींबू का पानी पीजिए, सिट्रस फ्रूट्स खाइए तो आपका विटामिन सी बढ़ेगा, सूरज की रोशनी में चलिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, तो ये सेहत के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये तमाम तीन विटामिन जो है आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है, आपका कैल्शियम शरीर में मेंटेन करता है, और तमाम जो चीजें आपके शरीर के अंदर, आपके हमारे शरीर में जो साइंटिफिक चीजें हैं उसका बैलेंसिंग एक्ट अगर कोई करता है तो वो ये सूर्य देव करता है। और यही वजह है कि वैदिक काल से और पुराणिक काल से सूर्य देव की पूजा और अर्चना की जाती है कि आप साल में एक बार उस सूर्य देव की पूजा करें,
कि जिसने पूरा साल आपके शरीर का, आपके दिमाग का, आपके सेहत का, आपके परिवार का, ये पूरे समाज का जो है व्यवस्था सही तरीके से रखी गई, ये उसके पीछे मुख्य कारण है। अगर आज आप और हम किसी चीज को पूछते हैं, लक्ष्मी की पूजा जब करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए, प्रारंभ रहे, हमारे घर में प्रयास हमेशा बनी रहे। सरस्वती की पूजा इसीलिए की जाती है कि हमको ज्ञान बढ़े और हम समाज को ज्ञान दें। तो जब सूर्य देव की पूजा आप करते हैं तो उसके पीछे का कारण यह है कि आपके हमारे शरीर को इस सूर्य की रोशनी की उतनी ही जरूरत है और इसीलिए साल में एक बार छठ पूजा वैदिक काल से की जा रही है। बहुत सारी चीजों को धर्म से इसीलिए जोड़ा जाता है कि कम से कम लोग, पुराने जमाने के लोग इतने समझदार थे, वो जानते थे कि आने वाला समय काल कैसे होगा। आज अगर आज का काल देखा जाए, मुंबई या कोई शहरों का काल देखा जाए, तो आदमी को सवेरे उठ के चलने की फुर्सत नहीं होती है, वो अपनी रोजी रोटी के पीछे लगा रहता है, ना उसको सेहत की फिक्र होती है, ना तबीयत की फिक्र होती है। तो जब उस चीज को धर्म के नाम से जोड़ दिया जाता है तो आदमी छुट्टी लेकर के भी छठ की पूजा में आता है, पूरा परिवार आता है। ये धर्म का फायदा ये होता है और इसीलिए इसको धर्म के साथ जोड़ा गया है। चाहे किसी भी मजहब की बात हो, अगर आज उसमें धर्म में ये कहा गया कि इस धर्म में ये कहा गया है, तो उसके पीछे का साइंटिफिक कारण है और वो मनुष्य के हित के लिए है, मानवता के हित के लिए है। काका ने कहा कि इस चौपाटी का विकास हम सभी लोगों ने मिलकर किया। काका ये हम इनको इसीलिए काका कहते हैं, हमारे पिताजी के जमाने से हमारे पिताजी के मित्र हैं, मगर आज हमको भी अपने बच्चे की तरह और दोस्त की तरह मानते हैं और मिलजुल करके कंधे से कंधा मिला करके काका के साथ हमने और काका ने हमारे साथ मिलकर के शहर का विकास किया है। और यहाँ पे आए हुए तमाम, सिर्फ बिहारी नहीं तो उत्तर भारत के तमाम लोग, नेपाल के भी होंगे, बंगाल के भी होंगे, बिहार के भी होंगे, झारखंड के भी होंगे, यूपी के तो है ही है, आप सभी लोगों को छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।